जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 13 सी का पार्ट सेकंड, सीखेंगे प्रश्न वाली 14.1 का पृष्ठ 2 क्वेश्चन सीखेंगे हम, 15 वाला और 16 वाला। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेकर डे 82 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेकर डे 82 तक सिंपल मेरी वीडियो पर जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन अपन क्या करना है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, वटे संभव परिणामों की संख्या। तो प्रश्न को देख के यही पहचानना है कि संभव किसको मानना है और अनुकूल किसको मानना है। जो क्वेश्चन दे रखा होता है वहां से निकाला जाता है संभव, जो ज्ञात करना होता है वहां से निकाला जाता है अनुकूल। पूरे क्वेश्चन अपन यही कर रहे हैं, तो समझते हैं संभव किसको मानना है, अनुकूल किसको मानना है। देखिए, आपसे बोला है ताश के 5 पत्ते हैं। ताश के कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते हैं। वैसे ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं, पर अभी की कंडीशन में अपन को ताश के कितने पत्ते बोले हैं? 5 बोले हैं। ईंट का देला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का है, को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। पांचों पत्तों को पलट कर फेंका जाता है, फिर इनमें से यदच्छे एक पत्ता निकाला जाता है। इनमें से कोई एक पत्ता निकाला जाता है, उसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बोला है इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम है। आपको ताश के 5 पत्ते दे रखे हैं, प्रायिकता ज्ञात करनी है एक पत्ता बेगम है। तो प्रश्न अपन ज्ञात करते हैं कैसे, मैं ध्यान से देखिए। तो पहले आप लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे आप? दिया है। क्या लिखोगे पहले आप? दिया है। तो आपको दिख रहा होगा ताश के कितने पत्ते हैं? 5 हैं। तो लिख सकते हो ताश के 5 पत्ते, ताश के 5 पत्ते कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते हैं। तो 5 पत्ते कौन कौन दिखा दे रहा है? ईंट का ढेला, क्या लिखोगे? ईंट का ढेला, ईंट का ढेला कौमा, कौन दे रखा है? और गुलाम, कौन दे रखा है? गुलाम कौमा बेगम, बेगम बादशाह, बेगम बादशाह और इक्का, कौन दे रखा अपन को? और इक्का। इस प्रकार हमारे पास कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते हैं। कोष्ठक बंद, कितने पत्ते हमारे पास? 5 पत्ते हैं। तो कुछ कुल पत्ते होते हैं वहां से अपन कौन निकालते हैं? संभव। कौन निकालते हैं? संभव। तो हमारे पास क्या हो जाएगा संभव परिणामों संख्या? 5, क्योंकि हमारे पास ताश में कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते हैं। तो 5 पत्ते के हमने नाम लिखे, कुल कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते हैं। ये कौन होता है? संभव। तो संभव परिणामों की संख्या हमारे पास कौन आएगा? 5। कौन आएगा? 5। अब पहला प्रश्न अपन ज्ञात करते हैं, वहां से कौन निकालते हैं अपन? अनुकूल। वहां से कौन निकालते हैं अपन? अनुकूल निकालते हैं। अनुकूल लिखते हैं, अब कॉमा लगाओ। आपसे बोला है इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम है। कौन निकालना? बेगम निकालना है। अगर अपने पास 52 पत्ते होते तो अपने पास बेगम कितनी होती? 4 होती। पर अभी अपने पास कुल कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते। 5 पत्ते बताना है बेगम कितनी है। तो आपको 5 पत्तों में बेगम जो है, बेगम कितनी दिखाई दे रही है? केवल 1 है। तो इन 5 पत्तों में बताना है बेगम कितनी है। तो बेगम कितनी दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है। आपको बेगम ज्ञात करना है, ताश के 5 पत्ते हैं, इन्हीं 5 पत्तों बेगम ज्ञात करनी है। तो ताश के 5 पत्तों बेगम कितनी है अपने पास? 1 है। तो लिख सकते हो, लिख सकते हो अब ताश के 5 पत्तों में, ताश के 5 पत्तों में, ताश के 5 पत्तों में केवल, ताश के 5 पत्तों में केवल 1 ही बेगम है। 1 ही बेगम है। ताश के 5 पत्तों में केवल 1 ही बेगम है। कितनी बेगम है? 1 है। ये कौन बन जाएगा? अनुकूल बन जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या,
तो हम अनुकूल परिणाम संख्या कितनी लिख देंगे? एक लिख देंगे। कितनी लिख देंगे? एक। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर एक। तो ताश के पांच पत्तों बेगम कितनी है? एक है। एक कौन बन जाएगा? अनुकूल। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर एक। तो याद करो लास्ट में आप अतः सूत्र लगाओगे, प्रायिकता। क्या लगाओगे? प्रायिकता। कौन याद कर रहे हो आप? बेगम। तो कोष्ठक अंदर कौन लिख दोगे? बेगम निकालना, बेगम निकालना। तो अब सूत्र आपको पता ही है, सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो हमारे पास अनुकूल, अनुकूल हमारे पास कौन है? एक है। तो आप अनुकूल कौन लिख दोगे? एक। संभव, हमारे पास संभव कौन है? पांच है। तो अब नीचे संभव कौन लिख दोगे? पांच लिख दोगे। तो आपका आंसर कौन है? एक बटे पांच। इसका पंद्रह का दूसरा वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने आप सभी को नहीं कराया है। अब आते हैं सोलहवें क्वेश्चन पर। सोलहवें वही ढूंढना है, संभव और अनुकूल। तो पहला कौन लिखते हो? हमेशा दिया है लिखोगे। कौन लिखोगे? दिया है। तो लिखते हैं, समझते हैं प्रश्न क्या बोला है आपसे। तो प्रश्न आपसे बोला है, किसी कारण 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। अपने पास किसी कारण 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। अपन को यह देखकर नहीं बताना है कोई पेन खराब है या फिर अच्छा है। इन इस मिश्रण में से एक पेन यदि अच्छे निकाला जाता है। अपने पास किसी कारण 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है। बच्चे भी हो सकते हैं और बेकार भी हो सकते हैं। आप ये नहीं बता सकते कौन से पेन खराब है, कौन सा पेन अच्छा है। पर आपको ये पता है जो कुल पेन है उनमें से 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन है। तब लिख सकते हो पेनों की कुल संख्या। लिख सकते हो आप पेनों की कुल संख्या, पेनों की कुल संख्या, पेनों की कुल संख्या। तो कौन कौन दे रखे हैं? 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन। तो लिख सकते हो कोष्ठक के अंदर 12 खराब पेन, 12 खराब पेन प्लस 132 अच्छे पेन, 12 खराब पेन प्लस 132 अच्छे पेन। तो कुल मिला के पेन कितने होंगे हमारे पास? 144। 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन है। तो 12 प्लस 132 कितने होते हैं? 144। कितने होते हैं? 144। कितने पेन निकालते हैं? वो एक पेन यदि अच्छे निकाला जाता है। तो एक पेन निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? 44। एक पेन निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? 44। लिख सकते हो एक पेन निकालने के घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 144। एक पेन निकालने के घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 144। तो अब एक पेन कितने तरीकों से निकाल सकते हो? 144। क्यों? क्योंकि आपसे बोला गया था 12 खराब पेन थे, 132 अच्छे पेन थे। तो पेनों की कुल संख्या 12 खराब पेन, 132 अच्छे पेन है। तो 12 प्लस 132 कौन होता है? 144। तो एक पेन निकालने के घटना के सभी परिणामों की संख्या कितनी आई? 144। ये कुल हमेशा कौन होता है? संभव। अब जो ज्ञात करेंगे वहां से कौन निकालेंगे? अपन अनुकूल लिख दोगे। अब तो आपसे बोला है कि निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको कौन से पेन की प्रायिकता निकालनी है? अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपसे बोला है निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको कौन से वाले पेन निकालना? अच्छे पेन निकालना है। आपको कौन से वाले पेन निकालना? अच्छे पेन निकालना है। तो हमारे पास अच्छे पेन कितने? 132। हमारे पास अच्छे वाले पेन कितने? 132। तो लिख सकते हो अब अच्छे पेनों की संख्या। क्या लिख दोगे आप? चूंकि अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या। तो हमारे पास अच्छे पेन कितने थे? 132। कितने थे? 132। ये कौन बन जाएगा? अनुकूल अतः वाला।
अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम संख्या कितनी आई, 132 आ जाएगी। अब क्या लगाओगे, सूत्र अतः वाला, अतः प्रायिकता, अतः प्रायिकता, कौन से पेन निकालना है, अच्छे पेन, तो अच्छे पेन निकालना, अच्छे पेन निकालना, अच्छे पेन निकालना बराबर। सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल बटे संभव है, अनुकूल कितना 132, तो अनुकूल कौन रख दोगे आप, 132। नीचे कौन है, संभव है, तो आपको नीचे संभव का मान कौन दिखा दे रहा है, 144। सभी संभव परिणाम संख्या आएगी, संभव लिखना भूल गया था मैं, सभी संभव परिणामों की संख्या, संभव कौन 144, तो अब संभव नीचे कौन लिख दोगे 144। ये किससे कट रहा है, 12 के पाड़े से कट रहा है, तो 12 के पाड़े में 140 कितनी बार में आते हैं, 11 बार में, और 12 के पाड़े में 144 कितनी बार में आते हैं, 12 बार में, तो आपका आंसर कौन है, 11/12। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।